पिछले दो सप्ताह में शीतकालीन सदन के दौरान विदर्भ के किसानों के मुद्दे पर गहन चर्चा नहीं हुई है, जिसका हवाला देते हुए विधायक अमोल मिटकरी ने सरकार से अधिवेशन का कार्य समय बढ़ाने की मांग की है, जिसके विषय में जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दर्शकों, शीतकालीन सत्र का सातवां दिन है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विधायक अमोल मिटकरी, जिनसे हम किसानों के संबंध में जानेंगे। तो सर, किसानों के संबंध में जो है पिछले 10 दिनों में कोई भी चर्चा नहीं हुई है, आगे सिर्फ 2 दिन के कार्य के समय बचे हुए, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहब को अभी पत्र द्वारा ये निवेदन किया है कि नागपुर करार के अनुसार, नागपुर एग्रीमेंट के अनुसार पूरे 3 हफ्ते का ये सेशन चलना चाहिए। 2 और 5 7 दिन का सेशन पूरा हो चुका है, आने वाले हफ्ते में 3 दिन बाकी है। मैंने विनती की कि अब तक यानी 7 दिन तक विदर्भ के किसानों पर कोई चर्चा नहीं हुई। ऊपर के सभागृह में तो पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण विभाग, मराठवाड़ा और खानदेश, इनकी चर्चा हुई, लेकिन विदर्भ के लिए, विदर्भ के किसानों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए ये विदर्भ में ये सेशन चलता है, जिसे हम हिवाली अधिवेशन जो कहते हैं आप, ये सेशन चलता है। और हमें विश्वास है कि आने वाले हफ्ते में पूरी तरह से ये सेशन चलेगा और महाराष्ट्र के यानी विदर्भ के किसानों को न्याय मिलेगा। मैं अकोला से आता हूँ, अकोला से बिलोंग करता हूँ, हमारे बाजू में अमरावती ज़िला है, जहाँ नमो मित्रा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई कॉटन किसानों के लिए, जो कॉटन उगाते हैं। हमारा बेल्ट भी यानी वाशिम, अकोला और बुलढाणा, यहाँ के किसानों के लिए अगर किसानों को ये देना होगा कोई आर्थिक जो मजबूती, अगर किसान को देना है इस सरकार ने, तो टेक्सटाइल हब की निर्मिति होनी चाहिए अकोला MIDC पे। ये मैंने उद्योग मंत्री उदय सामंत जी से सवेरे सवाल में पूछा, उन्होंने कबूल किया कि 29 दिसंबर को वो खुद आएंगे, पूरा जायजा लेंगे और जितना करोड़ रुपए टेक्सटाइल हब के लिए खड़ा किया जा सकता है या डिमांड है उसका पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करके वो फाइनेंस मिनिस्टर को देंगे। और विश्वास है कि पूरा अधिवेशन चलेगा, महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सवाल ये है कि जैसे आज ही मंत्री धनंजय मुंडे ने भी इस बात का खुलासा किया है कि कई पात्र जो है किसानों को अभी तक जो है मुआवजा नहीं मिला है PM किसान के तहत, तो उसके अनुरूप क्या सरकार क्या कदम उठा रही है? नहीं, सरकार देखिए, खुद धनंजय मुंडे साहब एक किसान के बेटे हैं, वो इसकी तीव्रता को पहचानते हैं। जितना भी खर्चा लगेगा वो देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा हो, चाहे महाराष्ट्र के DCM फडणवीस साहब हो, चाहे महाराष्ट्र के CM एकनाथराव शिंदे साहब हो, जिस तरीके से जूनी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार ने सकारात्मकता दिखाई है, उसी तरीके से किसानों की आर्थिक समस्या दूर करने के लिए भी ये सरकार कटिबद्ध है। और पूरा हफ्ता अगर आने वाला अगर सेशन चलेगा तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि इस पर जो आपने कहा माननीय कृषि मंत्री धनंजय मुंडे साहब किसानों पर उसको न्याय देंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने विधायक अमोल मिटकरी जी से बात की, जो है अगला जो है सेशन बढ़ने की स्थिति है, अगला जो कार्यकाल समय बढ़ने की स्थिति अभी उत्पन्न हो चुकी है, मंत्री जो है मंत्री महोदय को, साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय को विधायक अमोल मिटकरी ने जो है सिफारिश भेजी है कि अगला जो सेशन है विदर्भ के किसानों के नाम किया जाए, साथ ही साथ जो है इस पर विदर्भ के किसानों पर गहन चर्चा हो, तो देखते हैं आगामी इसका क्या असर पड़ता है। शीतकालीन सत्र के हर एक अपडेट लिए देखते रहे NBC News। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC News के लिए नागपुर।